चलो चलो ऐसा ना भाई, अरे ऐसा ना चलो, चलो अरे आपको पीर में सब अच्छा करवा देता हूँ, चलो चलो लकड़ी छोड़। चाचा कितने साल से इधर रोड पे रहते हो? यहाँ ये गांव में 30 वर्ष हो गया, 20 साल तो लो गार्डन हो गया। लो गार्डन पे रहते थे? हाँ लो गार्डन से। तो क्यों रोड पे रहते हो? क्या करें, पास हो गए कहाँ, घर परिवार वाले नहीं है? यहाँ नहीं है, बहुत दूर। कहाँ है? कमलू कमच्छा है। कमलू कमच्छा वो कहाँ है? गुवाहाटी। लुहाटी लुहाटी गुवाहाटी 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 जहाँ दादी का नगरी है एक पीछे साइड का वहीं की सिक्का आया। ये पैर में सब क्या प्रॉब्लम है कोई? हाँ पैर में तकलीफ है। तब ना क्या हुआ है? दोनों पैर में चप्पल ऐसे दिया था, चप्पल से ऐसे हुआ ऐसा है। मेरा से खुली से एक दवाई लगा रहे, कितने दवाई लगा रहा है? हमारे भी तो होना चाहिए 40 रुपये 50 रुपये रखा हुआ दवाई। वो हमारी हेल्पलाइन नंबर है ना फ़ोन, उस पर फ़ोन आया था एक भाई का। तो हम एनजीओ चलाते हैं, आपके जैसे लोग जो रोड पे रहते हैं उसके लिए काम करते हैं। हाँ हमको बोला जो हाँ 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 वो भाई, हाँ वो भाई खाना लेके आते हैं ना आपके लिए, वो भाई का फ़ोन आया था। हमारी सूरत वाली हेल्पलाइन नंबर है पोपट वे फाउंडेशन, उसमें फ़ोन किया था। तो हमारी यहाँ टीम काम करती है अहमदाबाद में। ये मुँह में तकलीफ है, लाड़ पड़ती है अपने आप देखते हैं। क्यों क्या प्रॉब्लम है? अपने पानी गिरते ऐसा है। तो आओगे हमारे साथ में, खाना पीना रहना सब अच्छी सुविधा कर देंगे आपके साथ। हमको बताया था, बोले तो हम उसको बुलाएंगे ले जाए तुमको। हाँ तो खाना देता ना, बोला तो तुमको ले जाएगा, बुला ले जाए ले जाएगा। जिसका एड्रेस में हमारे यहाँ कागज मीठा कड़ी से लाते। कौन खाने देना देता है? आता है ऑफिस में काम करने वाला लड़की जो है वो अपनी पिता जी का। ये सब ऐसा बोल रहे हैं आप बंगाल के हो? हाँ तो बंगाल कमरू कब अच्छा। अच्छा बंगाल के हो? बंगाल से आओ रहा जी। अच्छा अच्छा सिलीगुड़ी उलीगुड़ी छोड़ के आओ रहा जी। आपका नाम क्या है पूरा? महावीर 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 भाई। अच्छा तो ठीक है, हमारे साथ में चलिए हमारी संस्था में। चलिए अभी 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 आना पड़ेगा ना, हम दूर से आए। हमारे कभी खबर जगह जो केला वाला ले आता है खबर जगह हमको ले जाना। अरे वो भाई से मैं बात कराऊँ? बात कर लो अभी। जो हमको रखा है यहाँ पर उससे पूछ के जाना पड़ेगा ना। किसने रखा है? अहमदाबाद जाता है आएगा बोल के आप। नहीं नहीं उनसे हमने बात कर ली, आप अभी हमारे साथ में चलिए। हाँ तो सामान ले लिए साथ में? अरे पैदल ही चला। चलिए हमारे साथ में चलिए अभी। अभी नहीं जा सकते। क्यों? अरे कोई है नहीं देखो। मैं क्या बोल रहे? मैं कोई है नहीं। अरे हमारे साथ में चलिए अभी।
चाचा अभी कैसा लग रहा है नहा धो के? अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ रहोगे ना हमारे साथ में? नहीं, हमको तो जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जहाँ से आए हम वहाँ नहीं जाना पड़ेगा अभी। मेरा बिस्तर उस्तर सब आएगा, वहाँ से लेके आएंगे कल अपने। दवाई है, बिस्तरा है, दवाई तो यहाँ पे अपने ले लेंगे अपने। और साइकिल दुकान 1500 रुपये लेना है तो अपने कल ले लेंगे जाके। अभी तो यहाँ पे रहोगे ना आप? ठीक हो जाए चला जाके जाएगा। ठीक होने के बाद चले जाओगे? शुरू से फुटपाथ में कागज बनते आए लोग से लेके यहाँ पुलिस लेन तक जिंदगी में ऐसे भी जिया। पूरी जिंदगी फुटपाथ पे जिए? एक छोकरा था मेरा, औरत था, कमरे एक्सीडेंट हो गया, उसमें पैसा मिला, जगह जमीन ले लिया तो मेरे चाचा ने बेच दिया। बोले फलानी मर गया, मेरा सर्टिफिकेट देके बेच दिया पैसा, और मेरे पिताजी का पैसा भी उठा लिया वो 90,000। बहुत पैसा उठा लिया, वो अपने बाल बच्चे में भाग गया खर रहा। वो कहाँ रहते आपके भाई? मेरा भाई नहीं, मेरे पिताजी का भाई। आपके पिता वो चाचा, आपके चाचा? हाँ। वो सब पैसा वैसा ले लिया ना सब? मारा सर्टिफिकेट ले लिया, गवर्नमेंट सर्विस था इसका, रेल का। तो बोला फला भी तो मर गया ये सर्टिफिकेट। तो आपके पापा मर गए, उसके बाद में आपके चाचा ने सब ले लिया? सब ले लिया, 3 बीघा जमीन बेच दिया खर्दा में। खर्दा बोले जगह है हरा बाजार। तो आप बंगाल से यहाँ आ गए? बंगाल से। किस में आए थे आप बंगाल से यहाँ? वहाँ से आया, पहले आया दिल्ली, इलाहाबाद। हैदराबाद आए? इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद आए थे पहले, इलाहाबाद। उसके बाद में इलाहाबाद से बोले चलो गुजरात में, चलो खाना पीना गुजरात लोगों को बहुत सेवा होता है, चलो एक बप्पू हमको लेकर आया। फिर यहाँ आ गए मंगने वाला लेकर गुजरात में, तो वहाँ रह गए रहते 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 रहते। एक डॉक्टर था, उसके घर में ले गए हमको, मेरे बाल बच्चा खिलाया, देखना पकड़ा, तो खाना वाना खिला देता था 300 महीना। 300 महीना में क्या हो गया, 100 रुपये रोज जो मिला मिला है क्या, टाइम पास करने के लिए। पर अभी चाचा हम जो काम कर रहे हैं आपके लिए और अच्छी ज़िंदगी दे रहे, तो आप रहोगे? रोड से अच्छा है ना यहाँ पे? रोड से तो बेकार, यहाँ खाना पीना रहना सब सुविधा मिलेगी आपको। तो ये घूमने वूमने जावे मेरे जगह पर वही जाने पड़ते हैं अम्बाबाड़ी। मैं अपना घर आश्रम करके है, हाँ। तो आपके जैसे जो निराधार लोगों रहते हैं ना वहाँ पे, वो लोग वहाँ पे रहने के लिए सब सुविधा अलग अलग प्रकार की वहाँ पे भी सुविधा है, तो वहाँ हमने बात की है, तो 1-2 दिन में आपको वहाँ पे ले जाएंगे, तो वहाँ पे रहोगे? बहुत बड़ा आश्रम है वहाँ पे। हाँ आश्रम का खाना भी मेरा सब सब फ्री में मिलेगा वहाँ। मेरा आता था आश्रम का एक लड़की, खाना पानी का डिब्बा जो पानी आता है ना बड़ा डिब्बा, वो भी हमें बड़ा कहो वाला कसर वाला कहते लड़की 100 10 मिनट से खाना ले पहुँच रहा, खाना ले जाने वाला गांव गया है, उसे खबर नहीं मिला मैन साहब को जो उसको खाना नहीं मिला है, कई बार गया होगा। इतना सेवक बहुत है हाँ कसर वाला। तो वहाँ पे रहोगे ना आप आश्रम में? तो अभी आराम से यहाँ पे रहिए आप, और कल परसों ऐसा लगेगा ना हम सुबह में जाके कल आपकी दवाई भी करवा देंगे पैर की, और आपको जो तकलीफ है मेडिकल छोटी मोटी तो वो भी अपने करवा देंगे कल। और वो आश्रम है वहाँ पे, अपने आपको ले जाएंगे, यहाँ से गाड़ी लेने आएगी आपको वहाँ से, तो उस वहाँ पे रहना और अपनी जो अगली जो ज़िंदगी है वो अच्छे से जीना आप। अनाथ आश्रम है, हाँ पूरा आश्रम है बहुत बड़ा, तो वहाँ रहना आप। अनाथ आश्रम है,
जो उनको खाना रहता तो औरत भी वहीं रहता होगा। हाँ, खाना पीना रहना सब फ्री में वहाँ पे, वहाँ ले जाता था ना। हाँ, उनमें से भी वहीं आता होगा, वहाँ रहता से उनको देखभाल करेगा। ठीक है, तो आराम से रहिए यहाँ पे भी, और आगे वहाँ पे ले जाएंगे तो वहाँ पे भी शांति से रहना, है ना। तो दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं कि चाचा खूब ही खराब परिस्थिति में वहाँ पे रोड पे रह रहे थे, और उनकी परिस्थिति अभी ऐसी है कि उनके जो पत्नी और उनका एक लड़का था वो एक्सीडेंट में मर गया, और थोड़ी पारिवारिक समस्या के कारण उनको बहुत ही अभी प्रॉब्लम पड़ रही है, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने रोड पर बिताई है। अब किस तरह रहे, फुटपाथ बाहर आ गए घर से, चलो फुटपाथ। पर हम हैं ना अभी आपके लिए। तो दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं कि उनकी परिस्थिति को ध्यान में रख के अब आज हमने उनको छोटी सी मदद की है। तो बस दोस्तों, ऐसे जो लोग रहते हैं रोड पे जिनका कोई नहीं है, उनको हम हमारी टीम ऐसे सेवा का काम करती है, तो बस आपके साथ सरकार से ये काम हम कर रहे हैं, तो बस आपका साथ सपोर्ट देते रहिए। और हमारे YouTube चैनल है सर्वसम्मत फाउंडेशन, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत।